पूर्णिया जिले के कस्बा स्थित सामुदायिक भवन में पेंशनर समाज के लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह आयोजित कर मनाई। संपूर्ण क्रांति मंच के बैनर तले सामुदायिक भवन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पेंशनर समाज के लोगों के द्वारा खास तौर से आयोजित की गई थी, जिसमें पेंशनर समाज के लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में पेंशनर समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। वीरेंद्र विद्यार्थी ने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक अच्छे और क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी ईमानदारी के बलबूते समाज को आईना दिखाने का काम किया और आज के समय में भी उनके जैसे व्यक्ति की जरूरत है, जो समाज में क्रांति लाकर समाज को सही दिशा प्रदान कर सके। कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामि। इस धरती पर जो विभूति आते हैं वह देव रूप में आते हैं, इसी रूप में ये थे। जयप्रकाश नारायण देवदूत के रूप में थे, जिन्होंने कहा गया है अष्टादश पुराणे व्यासस्य वचनं द्वयम् अपरोपकाराय पुण्याय पापाय परकीर्तनम्। 18 पुराण में कहा गया है कि दूसरे को सताना पाप और दूसरे का उपकार करना पुण्य। तो जेपी साहब जो थे हमारे, ऐसे ही विभूति थे जो सबका उपकार करते थे और सभी गरीब अमीर सबका उपकार हुआ। तो ये ऐसे विभूति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जेल भी गए बहुत। 1934 में इन्होंने 74 के आंदोलन में जब देखा कि भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार यहाँ फैल रहा है, तो आगे बढ़ करके इसके समाधान के लिए इन्होंने छात्र आंदोलन किया और इसकी अगुवाई की। और अगुवाई करने के बाद इन्होंने बहुत सारे पार्टी को धराशायी किए और इनका पार्टी अग्रसर हो गया देश में।